चीन कैसे दुनिया में घिर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित के पास एक बहुत अहम जानकारी है क्वाड को लेकर, जो जानकारी हम अभी कुछ देर पहले दे रहे थे उसे विस्तार से समझाएंगे सुमित कि क्वाड कैसे तैयारी कर रहा है, ये चार देश कैसे तैयारी कर रहे हैं चीन को घेरने को लेकर। सुमित बताएं। देखिए सुमेरा, एक चीज तो तय है कि चीन को घेरने के लिए ना सिर्फ हमें अपने मिलिट्री ऑप्शंस बल्कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को भी हमें हमेशा खुले रखना है। और आपको याद होगा कि जब से भारत और चीन के बीच में विवाद शुरू हुआ है तब से ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बल्कि कई और देश लगातार, वो देश भी वियतनाम, ताइवान जैसे देश जो लगातार जिनको चीन दबा रहा था वो उनको दबाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपको बताऊं कि क्वाड की किस तरीके से चीजें होंगी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो चार देश हैं जो लगातार चीन को घेरने के लिए तैयार हैं। और सीधे तौर पर सुमेरा, इन चारों देशों का मकसद एक ही है कि चीन की तरफ से जो अग्रेशन है, चीन की तरफ से जो लगातार कैप्चरिंग पॉलिसी अपनाई जा रही है दूसरे देशों को लेकर, वो बंद की जाए। जापान आपको याद है कि जापान और चीन के बीच में कई द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा, और लगातार चीन कहीं ना कहीं जापान की कई चीजों पर, कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में है। तो जापान इस क्वाड के अंदर एक महत्वपूर्ण है और क्वाड से होगा ड्रैगन का इलाज। खास तौर पर ये कैसे इलाज होगा ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सुमेरा। और ये भी कि जापान के अलावा चीन, अमेरिका की बात की जाए या फिर दूसरे देशों की बात की जाए, वो सभी देश इस समय भारत के साथ खड़े। और वो जानते हैं कि अगर चीन को काउंटर करने की क्षमता किसी देश में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। भारत की क्षमताएं माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपको बिग बॉल पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का रणनीतिक मंच, एक रणनीतिक मंच है क्वाड, और इस रणनीतिक मंच का मकसद है एशिया पैसिफिक में शांति स्थापना करना। लेकिन यह शांति तभी स्थापित हो सकती है जब चीन को उसकी अग्रेसिव पॉलिसी से रोका जाए, और एशिया का नेटो कहा जाता है। और खास तौर पर क्वाड का मकसद है ना सिर्फ शांति बहाली बल्कि ऐसे मुल्कों को जिनको चीन दबा रहा है उनको संरक्षण भी देना। 2007 में जापानी पीएम शिंजो आबे ने पहली बार क्वाड का प्रस्ताव रखा था, और वो जानते थे कि दरअसल जो चीन का अग्रेशन बढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में इन सभी मुल्कों को बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। और यही वजह थी कि चारों देश मिलकर खड़े हुए, और इस सारे चारों मुल्कों का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन के अग्रेशन को रोकना और एक ऐसी स्थापना करना शांति बहाली की जिसको चीन वहां पर रोकना है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का विशाल नेटवर्क जापान भारत के साथ जुड़ रहा है। आपको याद होगा कि मालाबार एक्सरसाइज के अलावा भी कई जगह पे कई सिचुएशंस में जापान ने, अमेरिका ने भारत को लगातार भारत के साथ खड़े रहे, और भारत को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है वो खुले तौर पर अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, और ये सारी चीजें चीन को लगातार परेशान कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।